क्या हुआ दया, क्या कहा मान? मैंने कहा कि हम मन्नत चालू रख सकते हैं, लेकिन 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 क्या? लेकिन अब आपको बिना पंखे के रहना होगा। अच्छा मतलब एसी में रह सकता हूँ, पंखा नहीं? अरे बाप रे, अरे संभालो यार अपने आप को, संभालो यार, संभालो, तकलीफ होगी। जरा हवा उधर, हवा उधर। अरे हवा नको भाई, हवा नको। अभी आदेश आया ना अहमदाबाद से, पंखा भी नहीं। अजीब शर्त है, इतनी गर्मी में स्वेटर पहन के बिना एसी तो रह ही रहा था, अभी बिना पंखा भी। मेहता सर, ये कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास नहीं हो रहा है? यार कोई अंधविश्वास तो हो रहा है, लेकिन अब इस वक्त अंधविश्वास विश्वास पे बहस करना निरर्थक है। सदियों से यही होता आ रहा है, बहुत सारी आवाजें मिलके सच की आवाज को हमेशा दबा देते हैं, इसलिए इस वक्त चुप रहने में भलाई है। टप्पू के पापा, आपको स्वेटर पहनना नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी। दया तू जानती है मेरी मर्जी क्या है, टप्पू के अच्छे रिजल्ट के लिए मैं बिना एसी बिना पंखा रहूंगा। वाह जेठा प्राव, वाह। ओ यार तुसे ग्रेटेस्ट ग्रेट पापा हो, ओ दिल खुश कर देता यार, और मुझे पता था आप यही जवाब दोगे। शाबाश यार, शाबाश, शाबाश। क्या क्या बात, आई लव यू पापा। देखिए देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कुछ कहना चाहता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे इस सर्वश्रेष्ठ बलिदान के लिए तुम्हें गो विपू दिया जाता है, गोकुलधाम वीरता पुरस्कार। गो पापा, आई लव यू पापा। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे पापा हो। अरे बेटा, पापा आज रात मैं आपके साथ बिना पंखे सोऊंगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे बिना पंखा सोने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूँ ना, मैं सोऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तेरा रिजल्ट अच्छा है और तुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हाँ, हम सबकी यही इच्छा है टप्पू। नहीं जेठालाल, तुम अपनी स्वेटर के साथ मुझे एक पासपोर्ट साइज फोटो दे देना, मैं तुम्हारे इस महान बलिदान पर तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा, ताकि कम से कम 15 लोगों को तो पता चल ही जाए। 15 लोगों को नहीं, 15 राज्यों में जाता है तूफान एक्सप्रेस मेहता साहब। हाँ तो हर राज्य का एक व्यक्ति बोला ना मैंने 15। अरे भाई तो रिजल्ट की बात चल रही है, तुम कहाँ आर्टिकल तूफान एक्सप्रेस यार, रिजल्ट अभी। जेठालाल को टप्पू के रिजल्ट का टेंशन है भाई। रिजल्ट का टेंशन मत लो, बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। चलो अभी घर जाके सो जाते, कोई बात नहीं, अगली बार। गर्मी के सीजन में रात को इतनी गर्मी पड़ती है, आज पता चला। लीजिए ठंडा पानी। आला बैला, गला बहुत सूख रहा है। चलिए अब बहुत थक गए होंगे, अब शांति से सो जाइए। अरे बिना एसी बिना पंखे के कैसे शांति से सोऊं दया? टप्पू के पापा, पहले के जमाने में कहाँ बिजली थी, लोग बिना पंखे बिना एसी के रहते ही थे ना। तभी उन सब के शरीर वैसे माहौल में रहने के आदि हो चुके थे, और जिनको ज्यादा गर्मी लगती थी वो खुले खेत में, आंगन में या छत पे सो जाते थे। ये आइडिया, दया मैं भी ऊपर छत पे जाकर सो जाता हूँ, तू यहाँ शांति से ऐसे चालू करके सो जा। नहीं नहीं नहीं, चलिए मैं भी साथ में आती हूँ। अरे तू क्या मेरे साथ बिना मुझे परेशान हो रही है भाई, तू शांति से सो जा ना इधर। टप्पू के पापा, शादी के इतने साल बाद भी आप मुझे पहचान नहीं पाया,
आपको तकलीफ में छोड़कर मैं यहाँ आराम से एसी में कैसे सो सकती हूँ? मैं भी आपके साथ चलूंगी बस। आइए अब सो जाइए। यहाँ भी गर्मी तो है ही। हाँ, पर घर जितनी गर्मी नहीं है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है तो अच्छा है। आइए आइए। अरे क्या कर रही है भाई, ये पहले ही इतनी बड़ी चादर पहन के बैठा हूँ। सॉरी सॉरी, अब सो जाइए। मैं थोड़े पापा मच्छर। हाँ, थोड़े थोड़े मच्छर है। अरे थोड़े थोड़े नहीं, बहुत मच्छर है। आज चैन की नींद मेरे नसीब में है ही नहीं। घर में गर्मी और यहाँ मच्छर। एक मिनट, मैं कुछ करती हूँ। चलो ये मच्छरदानी बंद गई तो गोकुलधाम सोसाइटी के छतगढ़ के राजा श्री टप्पू के पापा गड़ा मच्छरदानी महल में आराम से सोने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। वाह दया, ये आइडिया लगाया तूने, थैंक यू। चलिए आइए आइए। अभी इसमें से अंदर जाने का रास्ता कहाँ से? एक मिनट मैं कर देती हूँ। आइए टप्पू के पापा, अब मच्छर आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। ए मच्छर बच्चों, हिम्मत है तो मच्छरदानी में आके दिखा, टप्पू के पापा को परेशान करके दिखा। अरे ओ ओ ओ भाई, ओ मच्छर को ऐसे चैलेंज मत दे, कहीं उनमें वो बदले की भावना जाग उठी तो वाट लगा देंगे भाई। सोजा सोजा चुपचाप सोजा। अरे दया, एक मच्छर मच्छरदानी में घुस गया, उसको बाहर निकाल। वो एक मच्छर को निकाले जाऊंगी ना तो दूसरे मच्छर अंदर आ जाएंगे। अरे पर ये मेरा खून पी जाएगा। पी पी कर कितना खून पिएगा? एक बूंद में तो उसका पेट इतना भर जाएगा ना कि वो उड़ी नहीं पाएगा और कोने में जाकर सो जाएगा। हाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है पी के सो गया। चलिए गया गया मच्छर गया, सो जाइए। टप्पू के पापा, ये चंद्रमा और सब तारे कितने मस्त लग रहे हैं। बरसों बाद ये नजारा देखने को मिला, ये देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। अच्छा, मैं जब छोटा था तब दादाजी के साथ ऐसे ही गांव में छत पे सोया करता था, तो ऐसे ही सेम टू सेम नजारा देखने को मिलता था। तब मैं और अब मैं सिर्फ एक ही फर्क है, तभी गांव में है ना मस्त ठंडी हवा चलती थी, और अभी यहाँ ठंडी हवा क्या, सादी हवा का भी नामो निशान नहीं है, सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। तो टप्पू के पापा, आप अभी ये गर्मी को भूल जाइए और गांव की ठंडी हवा वाली रात को याद करते करते आसमान के तारे गिनते गिनते सो जाइए। हाँ दया। अरे मत कर। क्या यार, मैं गुदगुदी मत कर। अरे मैं गुदगुदी नहीं कर रही हूँ, आप सपना देख रहे होंगे। अरे मैं सोया ही नहीं हूँ तो सपना कहाँ से देखूं? अरे पर मैं गुदगुदी नहीं कर रही हूँ बाबा। तू नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है?
टप्पू के पापा गया गया, चूहा हमसे डरकर भाग गया। चलिए अभी आप आराम से सो जाइए। मैं क्या आराम से सो जाइए, मुझे यहाँ चूहों और मच्छरों के बीच में नहीं सोना है। अच्छा घर में गर्मी तो गर्मी, चलेगी घर में ही सो जाते। सॉरी टप्पू के पापा। क्यों क्या हुआ? आपको ये सब परेशानी हो रही है उसकी वजह मैं हूँ। नहीं दया, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे जो परेशानी हो रही है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही है, मेरा भाग्य लिखने वाले मेरे भाग्य विधाता। उन्होंने मेरे नसीब में परेशानी परेशानी और परेशानी लिखी है। नहीं नहीं, आप नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोचे टप्पू के पापा। अरे सकारात्मक कहते हैं, इतनी गर्मी है कि मैं कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहा। लगता है सोना नसीब में नहीं है, पूरी रात ऐसे झाक कर ही निकालनी पड़ेगी। टप्पू के पापा, मैं अभी आई हूँ। अरे अरे कहाँ जा रही है? अरे एक मिनट रुकिए ना, मैं आई। ये साल ओढ़कर सो जाइए। अरे स्वेटर पहने ऊपर से साल कहाँ दे रही है ओढ़ने के लिए? अरे ये गीली साल है, ये ओढ़कर सो जाएंगे ना तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा अहमदाबाद में जब बहुत गर्मी होती थी ना तो मैं और माँ साल को गीली करके ओढ़कर सो जाते थे और इतना ठंडा ठंडा लगता था ना। आप भी इसे ओढ़कर सो जाइए, अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ। कोशिश करता हूँ। हाँ। दया मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। थैंक यू। ये आइडिया पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ सॉरी। अच्छा तू भी गिली सो लौट के सोचा। अरे मैंने थोड़ी ना स्वेटर पहना है। तो भी सो तो जा। वो नेट चालू है ना? हाँ पापा। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ही देखिए ना प्लीज। हाँ हाँ टप्पू के पापा आप ही देखिए ना। हाँ। अरे मुझे आता होता तो मैंने कब का देख लिया होता। तू तो देख ना टप्पू। हाँ। टप्पू दिखा होल बेस। थैंक यू मम्मी। तो हमें ऑल बेस्ट करने की जरूरत है। तू शांति रखना भाई। टप्पू 9 बज गए, जल्दी देख जल्दी देख। हाँ दादाजी वेबसाइट खुल रही है। क्या रिजल्ट आया बोल? बोल दिक्कत क्या हुआ? क्या रिजल्ट आया? अब बोल। पापा मुझे सिर्फ 40% मिले हैं। तेरे बेटे ने
मंजीरा बजाया, मंजीरा मस्ती की, शरारत की, हंगामा किया, भूख मार मार के ऐसे भूखर के बाल उड़े। अरे तेरा रिजल्ट अच्छा है, उसके लिए इतनी गर्मी में भी ये स्वेटर पहन के मैं दाल की तरह उबलता रहा। और तूने तूने हमारी उम्मीदों पे कड़ी फिरा दी, कड़ी। शांत हो जाए टप्पू के पापा। अरे क्या शांत हो जाइए, अब ये 40% में कौन सी अच्छी कॉलेज में इसको दाखिला मिलेगा है? अच्छी कॉलेज छोड़, कोई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, अभी ये प्रश्न है। सारे सपने मिट्टी में मिला दिए इसने। देख बापूजी को कितना आघात लगा है, आघात के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे बेचारे। टप्पू तुझसे उम्मीद रख के हमने जो गलती की है उस गलती की सजा मैं अपने आप को दूंगा। अब मैं जिंदगी भर स्वेटर पहने रहूंगा, स्वेटर पहने रहूंगा, स्वेटर पहने रहूंगा। नहीं पापा, नहीं नहीं पापा, नहीं 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 पापा, नहीं पापा, नहीं नहीं। टप्पू क्या हुआ बेटा? अरे बोल टप्पू बेटा क्या हुआ? टप्पू क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है टप्पू ने कोई बुरा सपना देखा है। क्या क्या सपना देखा बेटा? मैंने देखा कि 10th का रिजल्ट आ गया है और मुझे सिर्फ 40% मिले हैं। साल में तुझे कहता रहा मेहनत कर, लेकिन मेरी सुनता कौन है? मित्रों किसी भी बच्चे और विद्यार्थी के जीवन में सबसे पहली बार टेंशन से सही साक्षात्कार तब होता है जब वो 10th क्लास में आता है। 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला हो तो हर बच्चा टेंशन में होता है, और ऊपर से कम नंबर का सपना आ जाए तो ये टेंशन महा टेंशन में तब्दील हो जाता है। और इसी टेंशन का शिकार हुए हैं टिपेंद्र जेठलाल गड़ा उर्फ टप्पू। आप जरा भूतकाल में जाइए और अपने 10th के इम्तिहान के जमाने को याद कीजिए, जब परीक्षाएं दे दी थी, रिजल्ट आने वाले थे। याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। हाँ याद आ गया ना तमाम टेंशन, किस तरह से चिंता में थे। अरे अपना टेंशन क्या, आपको अपने अंकल आंटी चाचा भाई बहन सबके टेंशन याद आ गए। यही टेंशन इस वक्त यहाँ पर है और मैं भी टेंशन में हूँ कि टप्पू सोनू गोली का रिजल्ट क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टप्पू है पुत्र जेठालाल का, और जेठालाल इस वक्त पूरी तरह हिल चुके हैं, स्वयं भी टेंशन में। और आप जानते हैं टप्पू अगर जेठालाल का पुत्र है तो टप्पू का टेंशन वाईफाई की तरह सबसे कनेक्ट करेगा, और आधी रात को गोकुल धाम सोसाइटी में टेंशन बढ़ने वाला है, हंगामा होने वाला है। और जब यह हंगामा होगा तो आपके घरों में ठहाके होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.